नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान ओके में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय से जुड़ी एक अहम इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो कि आपको पता होना जरूरी है अगर आप नवोदय विद्यालय में एडमिशन कराना चाह रहे हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम रहने वाली है, तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि किस कैटेगरी के लिए कितने परसेंटेज लाना जरूरी है अगर वो नवोदय विद्यालय में एडमिशन कराना चाह रहे हैं, और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको एडमिशन के लिए मिनिमम कितने मार्क्स की जरूरत होगी। यानी कि आज हम बात करेंगे कि जवाहर नवोदय के मेरिट लिस्ट में शामिल होने के लिए कम से कम आपको कितने मार्क्स आने जरूरी हैं। तो दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय ने अपने हवाले से एक बात को सिद्ध किया है जो कि हर एक कैटेगरी के लिए कॉमन है। यानी कि अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, जनरल हैं, आप रूरल एरियाज के हैं, अर्बन एरियाज के हैं, बॉय हैं, गर्ल हैं, आप जिस कैटेगरी में भी आते हैं, आपके लिए एक ऐसी चीज है जो सभी के लिए कंपलसरी है। तो क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवोदय विद्यालय के एग्जाम पेपर के तीन सेक्शन होते हैं, यानी कि जिसमें सबसे पहला है मानसिक योग्यता, दूसरा है गणित और तीसरा है भाषा। तो जवाहर नवोदय विद्यालय यह कहता है कि आपको एडमिशन के लिए इन तीनों सेक्शनों में पास होना जरूरी है, यानी कि आपको इन तीनों खंडों में एक तिहाई मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी है अगर आप नवोदय विद्यालय में अपना एडमिशन चाहते हैं। तो यानी कि तीनों प्रकार के खंडों में से प्रत्येक में अलग अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कहने का सीधा मतलब यह है कि मान लीजिए आप मानसिक योग्यता के सेक्शन में बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, दूसरे सेक्शन यानी कि गणित के सेक्शन में भी आप काफी अच्छे नंबर लाए, लेकिन जब बात आई तीसरे सेक्शन की यानी कि लैंग्वेज भाषा के सेक्शन में आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए और ऑल ओवर मार्क्स कैलकुलेट करने पर आपके 85% आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी आपका एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय में नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसा जवाहर नवोदय विद्यालय ने बताया है कि आपको एडमिशन लेने के लिए तीनों सेक्शनों में पास होना जरूरी है। चलिए हम इसको कैलकुलेशन के साथ समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मानसिक योग्यता के सेक्शन की। तो इस सेक्शन में कुल 40 प्रश्न होते हैं और ये पूरा सेक्शन कुल 50 नंबर का होता है और हमें हर सेक्शन में एक तिहाई मार्क्स लाना जरूरी है। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो 40 प्रश्नों का एक तिहाई यानी कि 14 प्रश्न आपके इसमें सही होने चाहिए। अगर हम नंबर के बेसिस में बात करें तो 50 नंबर का ये सेक्शन होता है, 50 नंबर का एक तिहाई यानी कि 17 नंबर आपको इस खंड में लाने जरूरी है। चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन में जो कि है गणित का। गणित में कुल 20 प्रश्न होते हैं, 20 प्रश्नों का अगर हम एक तिहाई निकाले यानी कि 7 प्रश्न, तो आपको उस खंड के 7 प्रश्न सही करना अनिवार्य है। बात करते हैं नंबर के हिसाब से तो 25 नंबरों का यह खंड होता है जिसका एक तिहाई अगर हम निकाले यानी कि 9 नंबर, मतलब आपको गणित के खंड में कुल 9 नंबर लाने होंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने आखिरी खंड की जो कि है भाषा का सेक्शन। भाषा के खंड में कुल 20 प्रश्न होते हैं, तो अगर हम 20 प्रश्नों का एक तिहाई निकालें यानी कि तो आते हैं 7 प्रश्न, यानी कि आपको भाषा के सेक्शन में 7 प्रश्न सही करने होंगे। अगर हम बात करें नंबरों के हिसाब से तो 25 नंबर का यह खंड माना जाता है और 25 नंबर का अगर हम एक तिहाई निकालें तो 9 नंबर आपको भाषा के सेक्शन में चाहिए अगर आप नवोदय विद्यालय में अपना एडमिशन कराना चाह रहे हैं। तो बात साफ है कि आपको तीनों सेक्शनों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, और अगर आप तीनों सेक्शनों में क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं यानी कि तीनों सेक्शन में आप पास नहीं हो पाते हैं, तो अगर आपका नाम ऑल ओवर बेसिस पे भी मेरिट लिस्ट में आया है तो भी वहां से हटा दिया जाएगा, यानी कि तो भी आपका एडमिशन रुक जाएगा क्योंकि आपको तीनों सेक्शनों में पास होना जरूरी है, मतलब एक तिहाई मार्क्स आपको तीनों सेक्शनों में लाने ही होंगे। तो ये आज की वीडियो थी जिससे आपको ये पता चल गया होगा कि आपको किस सेक्शन के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।